हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स ब्यूटीफुल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेट्स, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए, आज हमें एक हेयर मास्क बनाना है। उसके लिए मुझे चाहिए एलोवेरा जेल। जी हाँ, हम लेंगे एलोवेरा जेल जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। हमें आर्टिफिशियल एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो एलोवेरा जेल करता है वो कोई और नहीं करता। उसके अलावा मैंने लिया है डव ड्राइनेस केयर। जी हाँ, मैंने डव का कंडीशनर यूज़ किया। आपके पास जो कंडीशनर हो आप यूज़ करें। मैंने एलोवेरा को काटना है और उसके अंदर से जेल निकालना है, तो उसके लिए मैं बीच में से कट लगाती हूँ और साइड से कांटे निकाल देने हैं एलोवेरा के, और उसके बाद बीच से कट लगाइए। जब आप बीच से कट लगाएंगी तो आप आसानी से जेल निकाल सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना जो ट्रिक यूज़ करती हूँ वही मैं बताऊँगी, और आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह से निकालना हो आप निकालें। मैं हाथ से एलोवेरा जेल निकालती हूँ। फ्रेंड्स, इससे अच्छा एलोवेरा जेल किसी ट्रिक से नहीं निकल सकता। बहुत अच्छे से जेल निकलता है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने सारा जेल निकालना है पूरे एलोवेरा से, और जब आपका जेल इकट्ठा हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह से चमकेगा, जैसे कि ये चमक रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा जेल निकला है और ये मैं सारा जेल निकाल चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने इसमें मिक्स किया है डव का कंडीशनर। जी हाँ, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको बालों पर अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाल अभी फ़िलहाल अनमैनेज हैं, स्ट्रेट नहीं हैं, वेवी हेयर्स हैं मेरे थोड़े, लेकिन ये ट्रिक्स मेरे बालों पे बहुत अच्छे से काम करती है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपके बालों पर भी अच्छे से काम करेगी। आप जानते हैं, एलोवेरा खुद अपने आप में एक कंडीशनर है, शैम्पू है। हमें इसके अलावा शैम्पू करने की ज़रूरत भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगाने के बाद और वॉश करने के बाद लगे कि आपको शैम्पू करना चाहिए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसके बाद शैम्पू नहीं करती हूँ, नेक्स्ट डे शैम्पू करती हूँ। अच्छा, आपको इसको अच्छे से अपने बालों पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको अपने बालों को एक घंटे के लिए छोड़ देना है विदाउट एनी स्टीम। ओके, कोई स्टीम नहीं देनी है, ऐसे ही नॉर्मली छोड़ना है। तो चलिए, मैं आप ही के सामने इन बालों को ड्राई करके दिखाऊंगी, ताकि आपको यकीन आ जाए कि कोई भी मैंने हीट यूज़ नहीं किया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको तेज़ हवा के सामने सिर्फ लगातार कॉम्ब के साथ इनको बालों को ड्राई कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा है। बाल स्ट्रेट होते जा रहे हैं। आप ही के सामने मैंने इनको ड्राई किया है, इसीलिए ताकि आपको इस चीज़ का यकीन आए, क्योंकि कुछ लोग फेक वीडियोस बनाते हैं। मैंने ये वीडियो फेक नहीं बनाई है, ओरिजिनल ये वर्क करता है, और आप इसको एक बार ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अपना मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप मेरा चैनल, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।